ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल है, राइट। एंड दिस पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। अभी हमें प्रूव करना है ए पी सी क्यू भी पैरेललोग्राम है, तो अभी प्रूव करते हैं। प्रूफ में क्या होगा, सेगमेंट ए बी पैरेलल टू सेगमेंट सी डी। क्यों, ए क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, देयरफॉर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ये प्रॉपर्टी है ना, ठीक। ये हो गया, अगर ए बी और सी डी पैरेलल है, इसका मतलब ए पी और सी क्यू भी पैरेलल है, दैट इज सेगमेंट ए पी पैरेलल टू सेगमेंट सी क्यू। अभी ये क्यों होगा, तो ए पी बी कॉलिनर है और सी क्यू डी कॉलिनर है इसके लिए। अभी अगेन ए बी और सी डी इक्वल है, क्यों, वापस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट। ठीक, हाँ, तो ए बी और सी डी ए है। अभी इसका मतलब हाफ ए बी, दोनों जगह में हम लोग ने हाफ ने मल्टीप्लाई किया, सी डी मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो क्या होगा, अभी हाफ ए बी मतलब ए पी हो गया, क्योंकि पी मिड पॉइंट है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हाफ ए बी इज इक्वल टू ए पी, क्योंकि पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। और हाफ सी डी इज इक्वल टू सी क्यू, क्यों, क्योंकि क्यू इज मिड पॉइंट, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो क्या हुआ, अभी हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी, इसका ही मतलब हुआ देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, करेक्ट। हाँ, तो इसको चाहिए तो ना 1 और 2, तो इधर लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2। अभी हमें जो प्रूव करना है, तो इन ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू सेगमेंट ए पी पैरेलल टू सेगमेंट सी क्यू, ये हम लोग ने ऊपर प्रूव किया है इधर, देन सेगमेंट ए पी कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट सी क्यू, ये तो हम लोग ने इसको फ्रॉम 3 लिख सकते हैं। तो अभी हो गया ना, पैरेलल भी है कॉन्ग्रेंट भी है, तो रीजन लिख सकते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रेंट। Therefore, APCQ is a parallelogram. Okay, second question. Using opposite angle test of a parallelogram, prove that every rectangle is parallelogram. तो ABCD is a rectangle given है, हमें prove करना है ABCD is a parallelogram. अभी proof के लिए पहले लिखा ABCD is a rectangle, ये हम लोग ने लिख दिया। हाँ, अभी अगर रेक्टेंगल है तो एंगल ए
इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, कितना होगा 90 डिग्री होगा। रीज़न क्या है, एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल 90 डिग्री होते हैं कि नहीं, है ना, तो एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। हाँ, तो ए बी सी डी कोई भी है तो 90 डिग्री है, तो क्वाड्रिलेटर हो गया ना अपोजिट एंगल, हम लोग को टेस्ट किया यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट, तो ए और सी भी सेम ही होगा, है ना। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, क्यों, क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री, तो अपोजिट एंगल टेस्ट यहाँ पे ही हो गया। तो लिखते हैं क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हो गया। नाउ थर्ड, थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, ये सेंट्रॉइड है, इसका मतलब डी एम मीडियन है, हाँ, और यहाँ पे जी एम और एम एस ये है, सॉरी डी जी और जी एच सेम है, ये उन्होंने गिवन है। तो अभी हमें प्रूव करना है ये जो जी ई एच एफ ये जो है वो पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं, लेट द मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स डी इंटरसेक्ट साइड ई एफ एट एम, मतलब ये जो डी से वर्टेक्स से निकला हुआ ये जो है वो एम में यहाँ पे ये ई एफ को इंटरसेक्ट करता है एम में। अभी ये एम में इंटरसेक्ट करता है और ये जी सेंट्रॉइड है, उन्होंने बोला है, हाँ, तो सेंट्रॉइड ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो 2:1, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो डी जी इज टू जी एम इज इक्वल टू 2:1, तो हम लोग रेशो एम प्रोपोर्शन लेसन पढ़ा, उसमें आपने ऐसा देख रहा है डी जी अपॉन जी एम इज इक्वल टू 2:1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2g इज इक्वल टू 2gm, ओके, सॉरी डी जी इज इक्वल टू 2gm। अभी डी जी इज इक्वल टू जी एच हम लोग को गिवन है, उन्होंने ही बोला डी जी और जी एच सेम है ना। देयरफॉर अभी डी जी इज इक्वल टू ए जी एम प्लस एम एच, ये समझ में आया, हाँ। अभी डी जी क्या है, तो 2gm है, डी जी क्या है 2gm, हम चाहिए तो ए लिख सकते हैं, डी जी के बदले में 2gm लिख सकते हैं, 2gm लिख सकते हैं ना। अभी 2gm इज इक्वल टू जी एम प्लस एम एच, अभी 2gm यहाँ का ए जी एम माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू एम एच, क्या होगा, 1gm बचा ना, जी एम इज इक्वल टू एम एच। अभी इन जी ई एच एफ, अभी हम लोग को जी ई एच एफ इसको प्रूव करना है ना, मीन सेगमेंट जी एम इज इक्वल टू सेगमेंट एम एच, अपोजिट साइड का ये हो गया, चाहिए तो नाम दे दो, इधर हम लोग को टू नाम देते हैं, नंबर देते हैं, यहाँ को फर्स्ट नंबर देते, तो आपको लिखने के लिए अच्छा पड़ेगा, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम टू। अभी सेगमेंट ई एम कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट एम एफ, ई एम और एम एफ कॉन्ग्रेंट है, ये क्या हुआ, एम इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ई एफ उन्होंने दिया हुआ है, फिर भी हम लोग ने लिखा है ना, तो हो गया। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ
इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर जी ई एच एफ इज अ पैरेललोग्राम. ओके, अभी देखो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, उन्होंने दिया हुआ है. हाँ, तो इसका मतलब ए डी सी, मतलब ए एंगल, ए डी सी और बी सी डी ए एडजस्टमेंट एंगल हो गए, दोनों का टोटल 180 होगा. हाँ, एंगल ए डी सी बी सी डी इज इक्वल टू 180. रीजन क्या है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सॉरी इधर नहीं करना है, इधर कर. हाँ, तो अभी दोनों को हाफ हाफ मल्टीप्लाई करते हैं. बोथ साइड्स क्या होगा? हाफ एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ एंगल बी सी डी. तो क्या होगा? 180 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, बराबर. तो अभी बट हाफ एंगल ए डी सी, ए डी सी का हाफ एंगल क्या होगा? हाफ एंगल ए डी सी इज इक्वल टू पी डी सी. हाँ, इज इक्वल टू एंगल पी डी सी, पी डी सी हाफ एंगल, क्योंकि उन्होंने एंगल बाइसेक्टर बोला है ना, तो हाफ हो गया. एंड हाफ एंगल बी सी डी, हाफ एंगल बी सी डी का क्या होगा? पी सी डी, पी सी डी मतलब इतना ही पार्ट, इतना पार्ट, ए पार्ट, पी सी डी. अच्छा, ये तो लिख देते हैं रेडीपी, सॉरी रेडीपी, रेडीपी बाइसेक्ट, रेडीपी बाइसेक्ट एंगल ए डी सी एंड रेसीपी बाइसेक्ट एंगल बी सी डी. इसके लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. तो अभी हाफ ए डी सी, इधर जो लिखा है ये इधर, हाफ ए डी सी के बदले में हम लोग लिखते हैं एंगल पी डी सी, एंगल पी डी सी प्लस एंगल पी सी डी, हाफ बी सी डी मतलब पी सी डी इज इक्वल टू 90. ठीक है, ये हो गया, इधर से ही लिखा हम लोगों ने इज इक्वल टू 90. अभी ट्रायंगल देखते हैं. इन ट्रायंगल पी डी सी, देखो पी डी सी सिर्फ ए ही ट्रायंगल लेना है, पी डी सी, इसमें ए नाइन, ए और ए मिलके 90 है, तो बचा हुआ क्या होगा? 90 होगा ना, तीनों एंगल का टोटल 180 होता है ना. एंगल पी डी सी प्लस एंगल पी सी डी प्लस एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 180. क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180. यहाँ पे पी डी सी और पी सी डी, ये ऊपर का, यहाँ पे ये दोनों का, उसके बदले में 90 लिखते हैं, प्लस एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 180. यहाँ पे फ्रॉम टू लिख देते हैं, देयरफॉर एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, देयरफॉर एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 90. ठीक हो गया, डी पी सी मिल गया. अगर डी पी सी, डी पी सी 90 हो गया तो एस पी क्यू भी 90 हो गया, दैट इज
एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 90, क्योंकि डी एस पी कॉलिनियर है और पी क्यू सी भी कॉलिनियर है इसके लिए। ठीक, अभी आगे का करते हैं। ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि हमें प्रूव तो करना ही पड़ेगा, है ना, इसके लिए। अभी हम लोग जैसे अभी यहाँ पे ये जो एंगल ए किया डी पी सी, ए एंगल हम लोग ने 90 दिखाया, ए 90 दिखाया ना, वैसे ही सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू 90। एस आर क्यू ए भी 90 है, हम लोग प्रूव कर सकते सेम है। हाँ, ये हो गया। अभी एंगल ए एस डी इज इक्वल टू 90 एंड एंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू 90। हाँ, ए एस डी, ए एस डी 90 है, क्योंकि जैसे ये ट्रायंगल किया वैसे ही ये ट्रायंगल आप करोगे तो ये भी 90 होगा। हाँ, तो बी सी क्यू भी 90 हो गया, ए बी 90 हो गया, देयरफॉर एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल ए एस डी। हाँ, क्या होगा, ये अपोजिट हो गए ना, ए और ये एंगल अपोजिट हो गए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 90। ये हो गया। अभी वैसे ही हम लोग वही दिखा सकते हैं, सिमिलरली एंगल पी क्यू आर भी 90 हम लोग दिखा सकते हैं। अभी पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस में हमें क्या मिला, एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, सब क्या है 90, हम लोग ने प्रूव कर दिया, है ना। अगर रेक्टेंगल में क्या होता है, पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, क्या होते हैं, सब एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो हम लोग ने वो प्रूव कर दिया बाय डेफिनेशन।